मैं जी रोजाना की तरह अपने काम तो वापस आ रहा सीगा ते इत्थे चार पांच मुंडे खड़े सीगे 18-19 साल की उम्र होनी है उन्होंने जो मैं निकलिया इन्होंने कोलो जी इन्होंने जाति सूचक शब्द वरते पहला ना फिर मैंने कहा इन्होंने 12 बज गए सरदारा दे जो नहीं हटे फिर मैं वापस मुड़ के इन्हों को गया भी की गल होगी क्यों बोल रहे तुसी कहने तू की कर लेगा धक्का मारिया मैनू हथों पाई की मेरा धक्का मार के मैं गुलामे तो फट के थले सीट लिया मेरे झटके जो मेरे ऐ मारे उन्हें मेरे हाथ लगे पग से पग लगन सार मैं थले गिरा मेरी पग जदी लैगी फिर मेरे केस खुल गए फिर मैनू नहीं पता इन्होंने पांच ने मारी है 10 ने मारी है पग लैगी तो लैगी क्योंकि उन्होंने कोई वड्डी गल नहीं भी पग इन्हों मेरे लिए वड्डी आ जां सिखां लई जां सरदारां लई वड्डी आ उन्होंने कोई वड्डी पग नहीं उन्होंने वो हिंदू ने ठीक है ना उन्होंने कोई इज्जत नहीं इन्हों की प्रवासी ने जी बहुत टाइम तो रह रहे ने प्योर पंजाबी बोलते ने तो पहला के वीडियो दे विच अग्गे लैके चलिए गल कर लैने आ पंजाब दे विच प्रवासी मजदूरां दे बढ़ रहे आतंक दी जो कि हर रोज अनेक अजिहियां खबरां वीडियो सामने आउंदियां रहिंदियां ने जद कुछ अजिहे मंचले जो बिहारी मजदूर हन जां फिर होर स्टेटां तों आए हुए मजदूर हन ओह पंजाबियां दे नाल धक्का कर रहे ने इत्थों तक कि दस्तार तक नूं हथ पा रहे ने इसे तरह ही एक सिख नौजवान दे नाल होया जदों उत्थों लंघ रहा सी तां उस नूं कुछ प्रवासी मजदूरां वल्लों रोकिया गया अते उस दे नाल लड़ाई करने की कोशिश की गई उस नूं आपत्तिजनक शब्द बोले गए ते उस दी दस्तार नूं हथ पाया गया ते कहा गया कि सरदारां दे सिखां दे 12 बज गए ने उस तों बाद इस कल्ले नौजवान ने उन्हां कट्ठे होए प्रवासी मजदूरां नूं दिखा दिता कि सिखां दे 12 किस तरह बजदे ने दोस्तों हालांकि सारे प्रवासी मजदूर इक्को जिहे नहीं हुंदे बहुत सारे अजिहे भी हन जो कि अपनी रोजी रोटी कमाउण दे लई पंजाब दे विच आए हन अते जिन्हां नूं पता है कि पंजाब नहीं सानू रोजी रोटी दिती है तो इस गल की कदर भी करते हैं पर बहुतात अजिहे मजदूर हैं जो कि इत्थे सिर्फ हड़दुल मचाते हैं जिसका एक बड़ा कारण यह भी दसया जा रहा है कि यूपी दे विच जिथे कि योगी की सरकार है उतों ज़्यादातर गैंगस्टरां नू बदमाशां नू भजा दिता गया है तो जो बदमाश अते गैंगस्टर भजे हैं वह ज़्यादातर पंजाब दे विच आए हैं हुण दोस्तों किसी की शकल देख के तो नहीं कह सकते कि वह अपराधिक प्रवृत्ति का है ज़्यादातर अजिहे लोग हैं जो कि पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं अजिहे लोगों ते सरकार नूं किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए है जां फिर किस तरह आम लोगों नूं इन्हां नूं नजिठना चाहिए जिस दे नाल इन्हां दा जो आतंक है उसनों कंट्रोल किया जा सके जेकर तुहाडे कोल कोई सुझाव जां फिर तुसीं इस बारे विच की सोचते हो जरूर कमेंट करना आओ तुहानूं हुण इस पूरी वीडियो वल लै चलदे हां होर ताज़ा खबरों के लिए अनलिमिटेड ज्ञान नूं ऑल वाली नोटिफिकेशन बैल दे नाल सबसक्राइब कर लेना ताकि हर एक ताज़ा खबर तुहाडे तक पहुंचती रहे सब तो पहला मैं जी रोजाना की तरह अपने काम तो वापस आ रहा सीगा ते इत्थे चार पांच मुंडे खड़े सीगे 18-19 साल की उम्र होनी है उन्होंने जो मैं निकलिया इन्होंने कोलो जी इन्होंने जाति सूचक शब्द वरते पहला ना फिर मैंने कहा इन्होंने 12 बज गए सरदारा दे जो नहीं हटे फिर मैं वापस मुड़ के इन्होंने गया भी की गल होगी क्यों बोल रहे तुसी कहने तू की कर लेगा धक्का मारिया मैनू हथों पाई की मेरा धक्का मार के मैं गुलामे तो फट के थले सीट लिया मेरे झटके जो मेरे ऐ मारे उन्हें मेरे हाथ लगे पग से पग लगन सार मैं थले गिरा मेरी पग जदी लैगी फिर मेरे केस खुल गए फिर मैनू नहीं पता इन्होंने पांच ने मारी है 10 ने मारी है पग लैगी तो लैगी क्योंकि उन्होंने कोई वड्डी गल नहीं भी पग इन्हों मेरे लिए वड्डी आ जां सिखां लई जां सरदारां लई वड्डी आ उन्होंने कोई वड्डी पग नहीं उन्होंने वो हिंदू ने ठीक है ना उन्होंने कोई इज्जत नहीं इन्हों की प्रवासी ने जी बहुत टाइम तो रह रहे ने प्योर पंजाबी बोलते ने मैं जी रोजाना की तरह अपने काम तो वापस आ रहा सीगा ते इत्थे चार पांच मुंडे खड़े सीगे 18-19 साल की उम्र होनी है उन्होंने जो मैं निकलिया इन्होंने कोलो जी इन्होंने जाति सूचक शब्द वरते पहला ना फिर मैंने कहा इन्होंने 12 बज गए सरदारा दे जो नहीं हटे फिर मैं वापस मुड़ के इन्होंने को गया भी की गल होगी क्यों बोल रहे तुसी कहने तू की कर लेगा धक्का मारिया मैनू हथों पाई की मेरा धक्का मार के मैं गुलामे तो फट के थले सीट लिया मेरे झटके जो मेरे ऐ मारे उन्हें मेरे हाथ लगे पग से पग लगन सार मैं थले गिरा मेरी पग जदी लैगी फिर मेरे केस खुल गए फिर मैनू नहीं पता इन्होंने पांच ने मारी है 10 ने मारी है पग लैगी तो लैगी क्योंकि उन्होंने कोई वड्डी गल नहीं भी पग इन्हों मेरे लिए वड्डी आ जां सिखां लई जां सरदारां लई वड्डी आ उन्होंने कोई वड्डी पग नहीं उन्होंने वो हिंदू ने ठीक है ना उन्होंने कोई इज्जत नहीं इन्हों की प्रवासी ने जी बहुत टाइम तो रह रहे ने प्योर पंजाबी बोलते ने।